दोस्तों, चाणक्य के द्वारा बनाई गई चाणक्य नीति, इसका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में होने वाली कई समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। चाणक्य ने बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति को अपने वश में करने के कुछ उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं चाणक्य की कुछ इन्हीं नीतियों के बारे में। किसी होशियार व्यक्ति को अपने वश में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। अगर हम समझदार व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें उसी तरह उसके सामने समझदारी से बातें करनी चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। अपनी ईमानदारी उतनी ही दिखानी चाहिए जितनी आवश्यकता हो। ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। कभी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मूर्ख व्यक्ति की तारीफ भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर वो हमें परेशान नहीं करेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों की पहचान विपरीत परिस्थितियों में होती है और जीवन साथी की परख धन दौलत के खत्म होने पर होती है। दोस्तों, हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा रहता है। अगर बुरा है तो मान लिया जाता है कि किस्मत खराब है। आचार्य चाणक्य ने पुरुषों के लिए कुछ ऐसी स्थितियां बताई हैं जिसके होने पर उनकी किस्मत वाकई में खराब हो जाती है। यदि किसी आदमी की पत्नी जवानी में मर जाती है तो वो दूसरा विवाह करके जीवन बिता सकता है, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी का मरना उसके दुर्भाग्य का कारण बनता है, क्योंकि बुढ़ापे में बिना पत्नी के जीवन नहीं काटा जा सकता। यदि कोई पुरुष किसी दूसरे पर निर्भर रहता है तो उसका जीवन नरक के समान रहता है, वो कभी भी अपनी आज़ादी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की किस्मत खराब मानी जाती है। अगर किसी पुरुष का कमाया हुआ पैसा उसके दुश्मनों के हाथ में चला जाता है तो उसे दोहरी मार पड़ती है, क्योंकि उसी का पैसा उसी के खिलाफ दुश्मनों के द्वारा इस्तेमाल होता है। चाणक्य ने मनुष्य के जीवन मंत्र के बारे में अनेक बातें बताई हैं, जिसे अपनाने से उसके जीवन में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। जाने अनजाने में हम लोग दोस्तों और आसपास के लोगों को अपनी कमजोरी बता देते हैं। आचार्य चाणक्य ने चार ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें हमेशा राज ही रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि हमें कौन कौन सी चार बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी पैसों के नुकसान की खबर किसी को नहीं बतानी चाहिए, इसे राज ही रखना चाहिए। धन का नुकसान होने पर आपकी कोई मदद नहीं करेगा, इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश कीजिए किसी को भी अपने पैसों की नुकसान की बातें मत बताइए। अक्सर लोग अपनी परेशानी किसी को तुरंत बता देते हैं, हमें इससे बचना चाहिए। अगर हम अपने मन के दुख और तकलीफों को दूसरों के सामने शेयर करते हैं तो दूसरे लोग उसका मजाक ही बनाते हैं। पुरुषों को कभी कभी अपनी पत्नी की निगेटिव बातों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति आपका मजाक बना सकता है, क्योंकि इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। भविष्य में उससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर किसी मूर्ख आदमी की वजह से आपको कभी अपमान का सामना करना पड़ा हो तो इस बारे में किसी और को ये बातें नहीं बतानी चाहिए, इससे आपकी प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है। हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें समझने के बाद इंसान अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे हमारा मनोबल टूट जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमें अपने मन और विचार को मजबूत बनाने के लिए चाणक्य की नीति को समझना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी है वो चाणक्य की नीति जिसे समझने से आप अपने जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। चाणक्य कहते हैं, जिसके मन में पाप का वास हो गया वो बाहर से कितनी भी कोशिश करे खुद को साफ दिखाने की, उसका मन वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे बर्तन में रखी शराब आग में झुलसने के बाद भी पवित्र नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर अगर ज्ञान गुण और शील ना हो वो मनुष्य पृथ्वी पर बोझ के समान है, उसे इस धरती पर जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोग धरती पर बोझ बनकर जिंदा हैं। अगर कोई इंसान पैसे को व्यर्थ में खर्च कर रहा है तो उसे पैसे के महत्व के बारे में नहीं पता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से झगड़ालू होते हैं और स्त्रियों को परेशान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का कब नाश हो जाता है इसका अंदाजा भी वो नहीं लगा पाते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो मनुष्य लेन देन भोजन धन धान्य और व्यवहार में निर्लज्ज रहता है वही इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, अपने कार्यों को अपने मन से करता है। जो व्यक्ति उत्सव में दुख में अकाल पड़ने पर संकट में राज दरबार में तथा शमशान में साथ दे वही सच्चा मित्र अथवा बंधु है। भोज्य पदार्थ भोजन शक्ति रति शक्ति सुंदर स्त्री
वैभव तथा दान शक्ति। ये सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते, पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। जिसका चित स्थिर नहीं होता उस व्यक्ति को ना तो लोगों के बीच में सुख मिलता है और ना ही वन में। लोगों के बीच में रहने पर उसे उनका साथ जलाता है तथा वन में उसे अकेलापन सताता है। भूमि से जल निकालने के लिए जमीन को खोदा जाता है, इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परिश्रम और सेवा करनी पड़ती है। गुण भी योग्य विवेकशील व्यक्ति के पास आकर ही सुंदर लगता है, क्योंकि सोने में जड़े जाने के बाद ही रत्न सुंदर लगता है। गुणी व्यक्ति भी आश्रय नहीं मिलने पर दुखी हो जाता है, क्योंकि निर्दोष मणि को भी आश्रय की आवश्यकता होती है। गुणों से ही मनुष्य महान बनता है, ना कि ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शीर्ष पर बैठ जाने पर कौवा गरुड़ नहीं बनता। अगर गुणवान व्यक्ति किसी गुणहीन व्यक्ति की प्रशंसा करे तो वो बड़ा हो जाता है, और अपनी प्रशंसा स्वयं करने पर तो इंद्र भी छोटा हो जाता है। जिसके पास स्वयं अपनी बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं? आंखों के अंधे के लिए दर्पण क्या करेगा? अर्थात जो जन्म से ही मूर्ख है, जिसके पास अपनी बुद्धि ना हो, शास्त्र उसका भला क्या कर सकते हैं? वो शास्त्रों से कुछ नहीं सीख सकता। अगर मूर्ख व्यक्ति चारों वेद और अनेक धर्म शास्त्र पढ़ ले, फिर भी जैसे सब्जी के रस में डूबा चमचा रस के स्वाद को नहीं जानता, वैसे ही मूर्ख अपनी आत्मा को नहीं जान पाता। मधुर वाणी, दान देने में रुचि, देवताओं की पूजा तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, इन लक्षणों वाला व्यक्ति इस लोक में किसी स्वर्ग लोक की आत्मा होती है। युग का अंत होने पर भले ही सुमेरु पर्वत अपने स्थान से हट जाए और कल्प का अंत होने पर भले ही सातों समुद्र विचलित हो जाएं, लेकिन सज्जन अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। योग्य स्वामी के पास आकर अयोग्य वस्तु भी सुंदरता बढ़ाने वाली हो जाती है, किंतु अयोग्य के पास रहने पर योग्य काम की वस्तु भी हानिकारक हो जाती है। विषहीन सर्प को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना चाहिए, इसलिए शक्तिशाली ना होते हुए भी शक्तिशाली होने का दिखावा करना आपकी रक्षा करता है। संसार रूपी इस वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुंदर बोलना और सज्जनों की संगति करना। सत्संगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुओं में दुष्टता नहीं आती। मिट्टी ही फूलों की गंध को अपना लेती है, लेकिन फूल मिट्टी की गंध नहीं अपनाते। उज्ज्वल कर्म करने वाला व्यक्ति यदि सैकड़ों वर्षों तक जिए तो भी अच्छा है, किंतु दोनों लोकों के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति अगर पल भर भी जिए तो व्यर्थ है। जिसमें गुण और धर्म है वही मनुष्य जीवित माना गया है, गुण और धर्म से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। दुष्ट और सांप में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है, किंतु दुष्ट व्यक्ति हर कदम पर आपको डसता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है, वो स्वयं उन्नति नहीं कर सकता इसलिए निंदा करने लगता है। हाथी से 1000 हाथ दूर, घोड़े से 100 हाथ दूर और सींग वाले जानवरों से 10 हाथ दूर बचकर रहना चाहिए, लेकिन दुष्टों से बचाव के लिए वो स्थान ही छोड़ देना चाहिए जिसके पास दुष्ट रह रहा है। दुष्टों और कांटों का दो ही प्रकार का उपचार है, जूतों से कुचल देना या दूर से ही उन्हें देखकर मार्ग बदल लेना। दुष्टों का साथ छोड़ दो, सज्जनों का साथ करो, रात हो या दिन अच्छे काम करो तथा सदा ईश्वर को याद करो। पशुओं में कुत्ता, पक्षियों में कौवा और मुनियों में पाप आचरण करने वाला चांडाल कहलाता है, साथ ही पर निंदा करने वाला, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चांडाल कहलाएगा। शास्त्रों में 5 पिता बताए गए हैं, जन्मदाता, विद्या देने वाला गुरु, भय से बचाने वाला, यज्ञ से पवित्र कराने वाला तथा धन देने वाला। इन सभी को अपने पिता समान आदर देना चाहिए। आदमी पर जब विपदा आती है तो वो अपना चोला बदल लेता है। शक्तिहीन होने पर व्यक्ति साधु बन जाता है, धनहीन होने पर ब्रह्मचारी, अस्वस्थ होने में ईश्वर भजन याद करता है, बुढ़ापे में स्त्रियां पतिव्रता होने का प्रदर्शन करने लग जाती हैं। ये सब ढोंग है। शक्तिशाली अनायास ही साधु नहीं बनता, धनवान कभी ब्रह्मचारी नहीं बनता। स्वस्थ होने पर व्यक्ति अपने ही राग रंग में खोया रहता है, उसे ईश्वर का ख्याल नहीं रहता और यौवन से भरपूर स्त्री